In this video, I am going to tell you the easiest way to design a heart shape in Illustrator. बहुत इजीली ये आप जो है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जो है हार्ट शेप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं और देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन में। और ये जो है वीडियो बहुत यूज़फुल है, स्पेशली आई हैव मेड दिस वीडियो इन उर्दू और यू कुड से इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो है हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और देन उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी जो विड्थ है हम 300 और हाइट भी 300 लेंगे। आप विदाउट हाइट ये मेजरमेंट के भी कर सकते हैं लेकिन इट वुड बी बेटर अगर आप मेजरमेंट के साथ करें। और इसको फॉर टाइम बीइंग हम जो है ब्लैक कलर ही दे देते हैं और फिर देन वी विल चेंज इट लेटर। और इसको जो है 45 डिग्री पे हम जो है इसको रोटेट कर देंगे। अगर आप देखें साइड में तो ये मेजरमेंट स्केल मुझे शो कर रहा है कि 45 हो गए हैं। इसको मैं जो है थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख सकें। और देन मैं जो है इससे पहले कि मैं कुछ और करूं मैं जो है रूलर्स को जो है ऑन कर देती हूं। तो आपको यहां से मैं एक रूलर ले लेती हूं, ठीक है। यहां पे मैंने इसको रूलर ले लिया, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी डिज़ाइन को सेट करने में और इसकी जो कहाँ तक हमें इंक्रीज करना है साइज। देन हमने पेन टूल लिया और ऑल्ट का ऑप्शन प्रेस करेंगे और इसको यूं करके ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब आपको समझ आई कि इसका क्या फ़ायदा था कि हमारा कोई भी काम जो है अब ये होने के बाद हम जो है बराबर में डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ले लेंगे लाइक दिस और इसको जो है स्ट्रेट हमने कर देना है। यहाँ से भी हमने इसको स्ट्रेट कर देना है लाइक दिस। ये जो है थोड़ा सा मेरा एंकर जो है ठीक है। अब हम क्या करेंगे रूलर को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे क्योंकि वी वॉन्ट कि हमारा दूसरा भी जो रूलर है वो इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। दूसरा साइड अब हम क्या करेंगे दोबारा हमने डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ली और पेन टूल लिया और फिर यहाँ से ऑल्ट ऑप्शन का बटन प्रेस किया हमने और इसको भी हमने यहाँ तक ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ तक किया और अब हमने डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया, इसको यहाँ से हमने सीधा किया इसको हमने यहाँ से एंकर पॉइंट से सीधा किया लाइक दिस। ये देखें हमारा कितना अच्छा सा हार्ट शेप विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है इजीली हमने बना लिया। इसका अब हम कलर चेंज करते हैं रेड कलर लाइक दिस और दिस इज इट। थोड़ा सा डार्क आई वांटेड लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगी इसको थोड़ा सा मूव करूँगी और इसका साइज जो है डिक्रीज कर दूँगी और आई एम गोइंग टू पुट इट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा नेक्स्ट वन जो है उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा पेन टूल यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ये लोग जो है इसको फॉलो कर सकते हैं जो पेन टूल से बचना चाहते हैं। और हमने जो है अगेन रेक्टेंगल टूल लिया। मैं ट्राई करूँगी कि तीन वेज बता दूँ लेकिन ए टू तो लास्टली मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने कंट्रोल सी प्रेस करना है कॉपी एंड देन कंट्रोल एफ और पेस्ट। अब इससे होगा क्या लेट मी शो यू कि एक और हमारे पास इसकी कॉपी आ गई, ठीक है। हमने जो है इसको वापस कंट्रोल वी किया और अंडू किया और सबको सेलेक्ट करके बल्कि सबको नहीं इसको जो है हम अपने फर्स्ट वन को 45 डिग्री पे हम इसको रोटेट करेंगे। इसको भी हम कर देंगे 45 डिग्री पे रोटेट
थोड़ा सा और ज़्यादा इसको करेंगे। फोर्टी फाइव का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप किसी भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसके आउटलाइन में बंद करूँ, इरीटेट कर रही है बहुत ज़्यादा। देन हमने क्या किया, यहाँ से इसको क्लोज किया और इन सब को सेलेक्ट करके हमने यहाँ से, अगर आप देखें, शेप बिल्डर टूल होगा, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। एंड देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑल जब आप ये कर रहे हो, और इसको यहाँ से हमने ड्रैग किया, इसको यहाँ से किया, और ये तीन हमारे पास आ गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इन सबको, या तो पहले एक काम और करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से हमने किया और इन सबको, ये जो हमारा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये जो है यूनाइट यूनाइट हो गया, एक बॉक्स हमारा बन गया। देन हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से, बल्कि पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से पूरा जो है इसको नीचे तक ले जाएंगे, ठीक है। एक हो गया, फिर दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया और दोनों को नीचे, ये हमारा हार्ट शेप बन गया। अब इस अप टू यू कि आपको कौन सा ज़्यादा इजी मेथड लगा, टोटली अप टू यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। चलें एक और इजी मेथड पे काम करते हैं। देखें दोनों की जो, अगर आप देखें यहाँ से कर्व जो है बहुत ही अच्छा है, विच इज़ वेरी गुड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और फिर हम दोबारा हमने एलिप्स टूल लिया, ये वाला जो है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट मैं ड्रॉ कर रही, ठीक है। ये एक और आ गया, फिर हमने इसकी एक कॉपी ली और प्रेस करके इसको यहाँ हमने कॉपी को किया। एंड देन अभी पहले मैं जो है इसकी वो बंद कर दूँ, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, अब हम पॉलीगॉन टूल लेंगे यहाँ से और इस पर क्लिक करेंगे और हमें थ्री साइड्स चाहिए, ठीक है। ओके किया हमने और देन दैट्स इट, और हमने इसको रिट्रीट कर दिया लाइक दिस और यहाँ पे लाके यहाँ पुट कर दिया हमने, ठीक है। इसको हम जो है लाइक दिस, बिल्कुल हमने इसके कॉर्नर से इसको सेट करना है। ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, थोड़े से हमें साइडें नज़र आ रही, लाइक दिस। अब हमने इस सब को सेलेक्ट किया, विंडोज़ पे गए और यहाँ से पार्ट फाइंडर्स पे हम गए, और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपको यूनाइट नज़र आएगा, ये यूनाइट का ऑप्शन आ गया। अब हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे और यहाँ से जो है हम इसको अपना पेन टूल लेंगे और यहाँ से जो इसका एंकर पॉइंट है माइनस वाला लेके, यहाँ से जो है हम इसको डिलीट कर दिया। ये देखें कितना अच्छा हमारा हो गया, ये यहाँ से हमने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ओके। ये जो है हमारा बहुत अच्छे से करवा, तो हमारे तीन जो है साइजेस बन गए हैं। और जो है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसके आपने एंकर पॉइंट को थोड़ा सा कर्व देना है और डिलीट करने हैं कुछ इस वाले पॉइंट से। और सारे ही बहुत ईजी हैं, सब टू यू कि आपको कौन सा पसंद ज़्यादा आता है, लेकिन रूलर्स और गाइड्स यूज़ करें बनाते वक्त, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका जो डिज़ाइन है वो एक्यूरेट बनेगा। ये हमने बनाया था थ्री शेप्स सर्कल और रेक्टेंगल के हेल्प से, ये हमने जो है दो जो है रेक्टेंगल से बनाए थे, ये दो, एंड दिस इज़ द थर्ड वन। और ये आप
इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रूलर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कोई भी डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। और इसको आप डिफरेंट पैटर्न्स में बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं, किसी कार्ड पे यूज़ कर सकते हैं एज अ डिज़ाइन और एज अ पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज टू यूज़ दिस आर्ट। तो आई हैव टोल्ड यू 3 easiest वे टू मेक ऑल डिज़ाइन हार्ड शेप इन इलस्ट्रेटर। तो होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। बाय।